नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। आफ्था का सबसे बड़ा आयोजन सिंहस्थ संपन्न हो चुका है, इसके साथ पीछे छूट गए हैं कुछ सवाल। वेबवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, अगर बात करें तो इतने बड़े आयोजन से देश और समाज को क्या हासिल हुआ? देखिए, कोई भी इस तरह का जो आयोजन होता है वो हासिल या मुनाफे घाटे के हिसाब से नहीं होता है, फायदे नुकसान के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन ये बड़ी बात है कि परंपरा को हम सहेज कर संजो कर यहाँ तक ले आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सनातन संस्कृति की एक परंपरा है कि 12 साल में एक बार प्रयाग में, इलाहाबाद में जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, संगम है, वहाँ पर संगम पर एक बार होगा और एक बार यहाँ पर होगा, और उसमें भी वहाँ पर कुंभ राशि का है, यहाँ पर सिंह राशि का, इसलिए इसको सिंहस्थ कहते हैं। तो गुरु सिंह राशि में है और ये सारी जो काल गणना है, सितारों की गणना है, उसके आधार पर उस समय के लोगों ने जब ये सोचा कि हमें इसके किनारे पर इस तरह का समागम करना चाहिए, तो इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो लगता है उसके पीछे जो उद्देश्य था बहुत दूरगामी, पवित्र और पावन था, क्योंकि तब संस्कृति की अलग अलग धाराएं अलग अलग दिशाओं में बह रही थी और संस्कृति ही खुद को परिभाषित करने में लगी हुई थी। ऐसे में उस जमाने के साधु संतों ने आध्यात्मिक चेतना के साथ एक ऐसा बड़ा महान प्रयत्न प्रारंभ किया था कि उन्होंने सोचा कि इस तरह की पवित्र तिथियों पर यदि हम इस तरह की परंपरा का आयोजन करते हैं कि देश के अलग अलग कोनों पर अपनी साधना में, अपनी तपस्या में, अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों में लीन साधु संत अगर एक जगह पर आते हैं, विचार विमर्श करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और वो ये देखते हैं कि समाज पिछले 12 सालों में कहाँ पर पहुंचा, धर्म कहाँ पर पहुंचा, धर्म की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उन पर हम चिंतन करें और इस पवित्र समय का उपयोग अपनी चेतना, अपनी तपस्या, अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में लगाएं, और साथ ही साथ हम एक दूसरे की गतिविधियों से भी परिचित हों, तो निश्चित तौर पर इससे पावन पवित्र। आज आप देखिए कि दुनिया में ट्रेड फेयर लगते हैं, ओलंपिक का आयोजन होता है। ओलंपिक का आयोजन क्या है? अलग अलग खेल गतिविधियों में अलग अलग हर खेल की एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन 4 साल में एक बार आप ये परखने की कोशिश करते हैं कि सब अलग अलग खेलों में किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह उसमें प्रतियोगिता है। यहाँ प्रतियोगिता कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर विचार है कि सब मिले। बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद ये होता है सब मिल बैठकर चिंता करें, विचार करें। यहाँ पर उस मकसद के साथ एक कदम आगे बढ़कर जनता को भी जोड़ा गया और जनता ने भी कोशिश की कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और लगातार इनका जो स्वरूप है वो काल के साथ साथ बड़ा होता चला गया। जनता का हासिल ये है कि जनता मानती है कि हम वहां पर गए, नहाए, साधु संतों के दर्शन करें और हम धन्य हो गए। उनको लगता है कि उनको बहुत पुण्य लाभ मिला। एक ये परंपरा जो बना दी गई थी कि किसी पवित्र तिथि पर, पवित्र समागम के समय नदी में आप डुबकी लगाते हैं तो आपके पाप धुल जाएंगे, हालांकि उसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। केवल नदी में नहाने लेने से पाप नहीं धुल जाते हैं, उसके लिए मन को तैयार करना पड़ता है, और जब मन का मैल धुलता है तभी दरअसल शरीर का मैल धोने का भी कोई महत्व है, वो प्रतीक है। लेकिन इन प्रतीकों को सहेज कर हम यहाँ तक ले आए, ये बड़ी बात है। अब इन प्रतीकों के पीछे छुपी हुई चेतना को, मकसद को भी लोगों तक पहुँचाना जरूरी। यदि हम सिंहस्थ के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की चर्चा करें तो क्या है वे? देखिए, सबसे बड़ा तो सकारात्मक पक्ष यही है कि 3 और 5 मई को जो आंधी तूफान आए हैं और कुछ बर्बादी हुई, उसके बावजूद भी सिंहस्थ निर्विघ्न संपन्न हुआ, ये जरूर हम मान सकते हैं कि एक विघ्न पड़ा था। बहुत सारी बातें हुई थी कि चांडाल योग है, विपदा आएगी, ये सब नहीं हुआ। हम देखते हैं कि इस बार प्रशासनिक व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर पिछले सिंहस्थ के मुकाबले बेहतर थी। पिछला जो 2004 का सिंहस्थ हुआ था वो दरअसल जमे हुए पानी में, वो नदी थी नहीं, वो एक कुंड था, टैंकरों से लाकर पानी क्षिप्रा नदी में डाल दिया गया था। इस बार जो जतन हुआ है नर्मदा के, उस पर भी बहस हो सकती है सही है या गलत, लेकिन निश्चित तौर पर पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा साफ पानी, कलकल बहता पानी, माँ नर्मदा का पवित्र पानी क्षिप्रा नदी में मिलाया गया, और क्षिप्रा नदी में जो पानी था उसको, उसमें नहाकर लोग धन्य हुए, अभिभूत हुए। एक सकारात्मक बड़ी पहल ये हुई कि इस बार किन्नर अखाड़े को मान्यता मिली, किन्नरों को जिनको उपेक्षित माना जाता है समाज में भी, वहाँ साधु संतों के तबके के बीच उनको मान्यता मिलना बड़ी बात है। 7-8 किलोमीटर लंबे घाट बना दिए गए, इसलिए केवल एक रामघाट या नरसिंह घाट पर लोग जाकर भीड़ लगाए, हालांकि उसके बावजूद लोगों ने उसको मान्यता दी, माना, लेकिन फिर भी लंबे और बहुत सारे घाट उपलब्ध होने की वजह से लोगों के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध थे। ट्रैफिक जैम की स्थिति जरूर बनी, लेकिन ये है कि हम देखें कि 12 साल में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, आसपास के शहरों में वाहनों की संख्या दोगुनी चौगुनी हो चुकी होगी, तो उन सारे वाहनों को वहां आना था और उनकी व्यवस्था और बेहतर की जा सकती थी। सारे सकारात्मक पक्ष तो यही है कि इतने सारे लोग, करोड़ आंकड़े को लेकर विवाद जरूर है, वहां पर आए
उन्होंने सिंहस्थ का आनंद लिया, कोई बड़ी विघ्न या घटना के बिना सिंहस्थ संपन्न हुआ, साधु संतों की उपस्थिति रही, लोग उनका दर्शन लाभ करके उनके सत्संग में जाकर उनकी कथाओं को सुनकर धन्य हुए। जो लोग गांव के लोग हैं वो पंचक्रोशी भी इस बार इसमें शामिल थी, वो लोग आए पंचक्रोशी यात्रा और सिंहस्थ साथ में मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिंहस्थ का लाभ पहुँचा पाई। ये सब कुछ अच्छी सकारात्मक बातें हैं। आखिरी के 1.5-2 महीने में भिड़कर जिस तरह से प्रशासन और मंत्रियों ने अपनी कमर कसी वो पहले कर लेते तो और बेहतर होता। नकारात्मक पक्ष यही है कि कुछ साधु संतों को बड़ा बनाकर सिर्फ उन्हीं की सुविधाओं पर ध्यान देकर प्रशासन ने एक अच्छा संदेश नहीं दिया। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से शुरुआत से ही मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पूरे सिंहस्थ के आयोजन की श्रेय लेने की होड़ दिखाई, वो अच्छा पक्ष नहीं है। कोई आप अच्छा काम करेंगे, कोई बेहतर काम करेंगे, व्यवस्थाएं जुटाएंगे तो उसका श्रेय आपको वैसे भी मिलना है, लेकिन हर जगह आप ही की तस्वीर हो आप, तो ये दरअसल देखा जाए तो सरकारी आयोजन नहीं है। सरकार खाली व्यवस्थाएं करती है, जिस तरह यहाँ पर इंदौर में रंगपंचमी मनाई जाती है और प्रशासन व्यवस्था करता है कि रंगपंचमी अच्छे से मन जाए, लेकिन वो त्यौहार जनता का है। ऐसे अनंत चौदश पर गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकलता है और ये परंपरा है, उस परंपरा को ठीक से निभा लेने के लिए प्रशासन को कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती, बैरिकेड्स लगाना, पुलिस की व्यवस्था करना ताकि कोई उड़ते, लेकिन लोग आते हैं और लोग उस परंपरा से जुड़ते हैं। ऐसी सिंहस्थ एक परंपरा है, उस परंपरा को बेहतर बनाना सरकार की, राज्य सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ आप खुद ही उसको अपना ही बना लें, ये कोई सरकार आयोजन थोड़ी है। तो अपना बना लेने की हद तक जो प्रचार की कोशिश की गई वो गलत था। कुछ साधु संतों के भव्य पांडालों ने लोगों को जरूर ये बताने की कोशिश की कि क्या साधु संत का मतलब भव्यता है। हम उन साधु संतों के किस्से कहानियां पढ़ते आए हैं जो भिक्षा मांगकर, मांगे हुए खाने को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं जमीन, और वो केवल इसलिए नहीं कि उससे समाज में यह संदेश जाता है कि ज्ञान जो है वो आपको झुकना, विनम्र होना, जमीन से जुड़ना सिखाता है, ज्ञान सादगी सिखाता है। लेकिन यहां अगर ज्ञान दिखावे को सिखा रहा है तो ये निश्चित तौर पर एक सिंहस्थ के नकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ साधु संतों में मारपीट हुई, खून खराबा भी हुआ, जो निश्चित तौर पर आंधी तूफान बारिश आई, वो भी सिंहस्थ का एक नकारात्मक पक्ष है। इन सब पक्षों के बावजूद सिंहस्थ में इस बार जो वैचारिक महाकुंभ करने की कोशिश की गई उसके आयोजन में खामियां थी, लोगों के चयन में खामियां थी, लेकिन उसके विचार में खामी नहीं थी। मैं उस अवधारणा का समर्थन करता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारे यहां देश में जरूरत ही इस बात की है कि हम अपने देश में गढ़े गए प्रतीकों से आगे बढ़कर कुछ व्यावहारिक चीजों तक पहुंचे। जैसे प्रतीक है कि हम नदियों को सदियों से पूछते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ की नदियां मैली हैं, गंदी हैं, गंगा की सफाई पर अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी वो साफ नहीं हो पा रही है। पेड़ों की पूजा, वट वृक्ष की बड़ पूजा तो हमारे यहाँ पर सालाना एक ऐसा उत्सव है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर शामिल होती हैं और अपने पति के लिए सुहाग के नाम पर ही पेड़ों की पूजा करती हैं। पेड़ों की इतनी पूजा करने के बावजूद भी लगातार भारत में वन क्षेत्र घटा है, हरियाली घटी है, पेड़ घटे हैं, और उसी वजह से हम लोग पर्यावरण का असंतुलन भी देख रहे हैं। तो केवल प्रतीकों से चिपके रहने से नहीं होगा। सिंहस्थ का एक प्रतीक है कि लोग नदी में जाकर डुबकी लगाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं और सोचते हैं कि उनके पाप धुल गए, साधु संतों का दर्शन करते हैं और लौट आते हैं। इन प्रतीकों से आगे बढ़ाना होगा कि उनमें उस ज्ञान का, चेतना का, ऊर्जा का प्रवाह हो जो हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतिनिधित्व चंद बड़े बड़े पांडालों में बैठने वाले साधु संत नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रतिनिधित्व क्षिप्रा में लगने वाली एक डुबकी नहीं करती है। हिंदुस्तान की सत्य सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व वो विचार, वो चेतना, वो आध्यात्मिक ऊर्जा करती है जिसका प्रवाह उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो केवल तफरी के नाम पर या मेले में जाकर डुबकी लगा लेने के नाम पर ही अपने आप को धन्य समझते हैं। उस प्रतीक से आगे बढ़ने के लिए वैचारिक महाकुंभ की अवधारणा अच्छी है, बेहतर है, लेकिन कोशिश अगली बार यह होनी चाहिए कि पहले तो इन साधु संतों को ही, और उसके लिए 12 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 1-1.5 साल में आप साधु संतों को साथ में बिठाइए और सोचिए कि कैसे इस महापर्व को, इस महाकुंभ को और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है। तब मुझे लगता है कि यह सिंहस्थ और कुंभ मेलों का आयोजन और अधिक सार्थक हो पाएगा। यदि भी भ्रष्टाचार के आरोप से यह सिंहस्थ भी नहीं बच पाया, ये निश्चित तौर पर एक इस देश की विडंबना है कि कोई भी आयोजन हो जिसमें सरकार या दूसरे लोग और ठेकेदार और निर्माण कार्य शामिल हो, वो आप कॉमनवेल्थ खेलों को देख लीजिए, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई और उसकी जांच आज तक चल रही है और कलमाड़ी को उसी के चलते हटना पड़ा और सारे विवाद को हम जानते हैं, बल्कि कांग्रेस सरकार की जो हार हुई है, इतनी बुरी दुर्गति हुई है कि वो 44 सीटों पर सिमट गई थी, उसमें कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला भी, कोयला और 2G घोटालों के साथ एक बड़ा घोटाला था। अब ऐसे ही सिंहस्थ पिछले साल भी विवादों में रहा था कि कितना घोटाला हुआ, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि मेरे ये समझ से बाहर है कि जब ये ऐसी आधारभूत संरचना के निर्माण का मामला है जो दूरगामी हो, लंबे समय तक चले, अगले 50 साल तक चले, 25 साल तक चले, तो उसको आपको आखिरी 3-6 महीने में क्यों मनाना है? सारे ठेके आखिरी तक रोके जाकर आखिरी 1.5-2 महीने में क्यों दिए जाते हैं? आप ऐसे पुल घाटों का निर्माण लगातार अगले 11-12 सालों तक आप चरणबद्ध तरीके, बल्कि उसमें पैसा भी बचेगा,
इन समय पर आपको सारे काम कराने हैं तो 2 रुपए का काम 200 रुपए में होगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर 2028 में अगला कुंभ होना है तो आज 2017 में क्या निर्माण होगा, 18 में क्या होगा, 19 में होगा, इसकी चरमबद्ध योजना कोई सरकार क्यों नहीं बनाती है। तो दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार सरकारी आयोजनों में होता है, ये लोगों की भी धारणा बन चुकी है और दिखाई भी देता है। आज बहुत सारे तथ्य सामने आए कि जो 93 रुपए का स्टेथोस्कोप है वो 500। तो अब जो जिस तरह कुंभ मेले में लोगों की बाढ़ आई थी ना, उसी तरह आरटीआई की बाढ़ आएगी और इन आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा। बजाय ये कि सरकार उसके पहले खुद ही बता दे कि कितने का ठेका कितने में दिया गया था, किसने ठेका दिया, किसने बनाया, कितने नहीं बनाया। आखिरी के 1.5 महीने में आपको सारे इंदौर के अधिकारियों को फौज को क्यों झोंकना पड़ा? जो अधिकारी साल भर से 6 महीने से निर्माण कार्यों के जिम्मेदार थे वो नाकारा बने क्यों बैठे रहे आखिरी समय तक? 50,000 शौचालयों का निर्माण होना था, उसमें से 10,000 शौचालय भी 1.5 महीने पहले तक तैयार नहीं थे, और आखिरी के 1.5 महीने में अगर बचे हुए 50,000 बनाने की आपने कोशिश की तो कितने 10-15-20 हजार बना पाए होंगे? घाटों का जो निर्माण हुआ उसमें आप देखिए कि इन समय पर सीमेंट डालकर और अचानक उस पर फर्शियां रख दी गई, जबकि सीमेंट के सूखने को और उस पर जोड़ को चिपकने का भी मौका आपने नहीं दिया। तो अगले 1.5 साल में ये सब घाटों की जो भव्यता दिख रही है वो खत्म हो जाएगी, सब उखड़ जाएगा, क्योंकि निर्माण के मजबूती पर आपने ध्यान नहीं दिया, पैसा कितना खर्च हो रहा है इसका आपने हिसाब किताब नहीं रखा। तो ये सबसे बुरा पक्ष है इस तरह के सिंहस्थ जैसे आयोजनों का, जहां पर भ्रष्टाचार की गंध शुरू से आती है और आयोजन जब चलता है तो ये लोगों का बड़प्पन है कि वो उस वक्त सोचते हैं कि कोई, जैसे घर में शादी होती है तो हम सोचते हैं कोई विवाद नहीं खड़ा करें, ऐसे सिंहस्थ के दौरान मीडिया ने, पत्रकारों ने और दूसरे कार्यकर्ताओं ने जिनको इसका विरोध था अपनी आवाज को दबाए रखा, लेकिन अब ये सब आवाजें उठेंगी। इन सब आवाजों का जवाब देना राज्य सरकार का, प्रशासन का और इस मेले के आयोजन से जुड़े हुए लोगों का कर्तव्य है। उनको चाहिए कि अपने दामन को पाक साफ साबित करने के लिए अपनी तरफ से ही तथ्यों को जनता के सामने रखें। इस पूरे आयोजन में एक चीज और दिखाई दी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महिमामंडन कुछ ज्यादा ही किया गया, एक तरह से उन्हीं का वन मैन शो हो गया था। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह थे, लेकिन जिस तरीके से जमीनी स्तर पर शिवराज सिंह चौहान को जुटना पड़ा उसका उजला पक्ष है कि उन्होंने खुद जगह जगह जाकर कमान संभाली, चाहे प्रतीक रूप में ही सही, जब पंडाल उखड़े तो उन्होंने खुद जाकर तंबू जोड़ते हुए अपने चित्र उनके जारी हुए, जोड़ा तंबू एक प्रतीक स्वरूप पे, सफाई करी कुंभ मेले में उसके चित्र जारी हुए, चाय पिला रहे हैं सुबह लोगों को जो आंधी तूफान से पीड़ित थे, त्रस्त थे। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि ऐसी नौबत क्यों आई? क्या सारे अधिकारी सारे मंत्री नाकारा हो गए थे? क्या उनमें काम करने की इस तरह की क्षमता नहीं थी कि मुख्यमंत्री को इस स्तर तक जाकर भिड़कर जुटना पड़ा? तो निश्चित तौर पर उन्होंने अगर इसमें नेतृत्व दिया है, आगे बढ़कर व्यवस्थाएं संभालने की कोशिश की, या उनको लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसलिए वो खुद ही जुटे रहे, अच्छी बात है, ये उनका सकारात्मक पक्ष है, लेकिन उनको खुद ही जुटे रहने की नौबत क्यों आई इसकी जाँच उनको खुद ही करवानी पड़ी। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।